हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम यूट्यूब की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे रिस्टोर करते हैं। दोस्तों, आपने बाजू का देखा होगा, जब भी आप कोई डेटा डिलीट करते हैं तो आप ये समझते हैं कि वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है, या आपसे कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है, या मिस्टेक बाय मिस्टेक आपसे कोई डेटा डिलीट हो जाता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है, कोई फाइल डिलीट हो जाती है और आप ये समझते हैं कि हमारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है। बल्कि ऐसा नहीं होता। आप जो भी डेटा डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, बल्कि आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने डेटा को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने डेटा को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियोस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरे कुछ फोल्डर्स शो हो रहे हैं, मैं इनमें से कोई भी अपना फोल्डर्स, अपना डॉक्यूमेंट्स डिलीट करूंगा और बाद में आपको उसको रिस्टोर करके और रिकवर करके भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मेरे ये कुछ फोल्डर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी अपना फोल्डर डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने डेटा को डिलीट करना है और कैसे उसको रिस्टोर भी करना है, और कैसे आपने उसको रिस्टोर भी करना है। तो आपको ये आइकन से, जैसे फाइबर का एक आपको फोल्डर शो हो रहा है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने फोल्डर को डिलीट कर दिया है। मैं वापस आके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एफ फोल्डर के अंदर हमारा एक फाइबर का फोल्डर था, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपका डेटा, जब आप डेटा को डिलीट करते हैं तो बेसिकली कहाँ पर जाता है। बेसिकली आप जो भी डेटा डिलीट करते हैं तो वो आपके फोल्डर बिन फोल्डर में चला जाता है, जहाँ आपका तमाम डिलीट डेटा स्टोर होता है। बेसिकली बिन फोल्डर बनाया ही इसलिए गया है कि आपसे कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है तो आपके पास बाय वन चांस होना चाहिए आपने डेटा को रिकवर करने का। तो इसलिए आपका डेटा बिन फोल्डर में चला जाता है, जहाँ से आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, फाइबर का जो फोल्डर हमने डिलीट किया था वो यहाँ पर आगे स्टोर हो गया है। अब हम इसको यहाँ से दोबारा रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक बिन नाम का एक फोल्डर होता है, जहाँ पर आपका डिलीट डेटा स्टोर होता है। अब ये इसको रिस्टोर कैसे करना है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें ये ऑप्शन देता है, कहता है कि आप इनमें से कोई भी तीन काम कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली रिस्टोर मतलब कि जहाँ से हमने डेटा को डिलीट किया था ये वहीं पर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह कहता है कि अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ से कट करके इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। नंबर थ्री कहता है कि आप इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा रिस्टोर हो गया है। अब ये जहाँ से हमने इसको डिलीट किया था ये वहीं पर जाके स्टोर हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप फोल्डर के अंदर ये देखिए फाइबर का फोल्डर यहाँ पर दोबारा वापस आ गया है। तो ऐसे आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं और बिन फोल्डर बिल्कुल खाली हो गया है। तो ऐसे आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।